10 जनवरी 2020 आपका स्वागत करते हैं टैग टीवी स्टूडियो टोरंटो से। और आप जानते हैं कि हम हमेशा कोई ना कोई लेटेस्ट इश्यूज जो होते हैं वो आपके सामने लेके आते हैं, और उस पर मैं और मेरे साथी ताहिर गोरा साहब, जो आप तो खैर उनके बारे में सब लोग जानते ही हैं, इतना पसंद करते हैं उनके कमेंट्स को, तो हम उनके भी धन्यवादी हैं और आपके भी धन्यवादी हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते हो और कमेंट्स करते हो। पिछले कुछ दिन पहले एक 737-800 बोइंग जो था वो यूक्रेन एयरलाइंस का ईरान तहरान एयरपोर्ट से उड़ा और एक कुछ ही मिनट में वो सारे का सारा तहस नहस होकर ज़मीन पर गिर गया। यहाँ तक कि इवन पायलट को भी मौका नहीं मिला कि वो कुछ कह सकता कि मेरे हवाई जहाज़ में क्या प्रॉब्लम है, वो ग्राउंड लोगों को भी कांटेक्ट नहीं कर सका। अब जब इतने लोग, जिसमें सैकड़ों लोग मर जाए, अराउंड 176, जिसमें से 63 कनेडियन जो हैं दे डाइड, तो काफ़ी दुखदायक होते हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि एक बार रशिया ने भी बकायदा जो है एक प्लेन को गिराया था। इस तरीके से मलेशिया के दो प्लेन जो हैं वो गिरे थे। ये जब प्लेन गिरते हैं तो दुख होता है, क्योंकि उसमें एक दो आदमी, तीन चार आदमियों की डेथ नहीं होती, सैकड़ों की होती है। लेकिन इंसिडेंट जो हैं ये वर्ल्ड में रुक जाएंगे नहीं, ये होते रहने हैं। और ये जो इंसिडेंट है, ख़ास करके हम देख रहे हैं कि जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से कहीं ना कहीं वो अपने साथियों से दूर होते जा रहे हैं। साथी कौन उनके? नेटो के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर और आज तक वो इनके साथ रहे या ये उनके साथ रहे। मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर प्रेसिडेंट विल्सन ना कंपेल करते हैं जी कांग्रेस को कि हमने इस लड़ाई में हिस्सा लेना है, तो शायद वो लड़ाई का नतीजा ही कुछ और होता। ऐसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जब पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने हमला किया तो तब रिजल्ट को साहब को समझ आई कि नहीं, हमें भी शामिल होना पड़ेगा। और उन्हीं के शामिल होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई कोई हो नहीं रही थी, जंग जो थी वो सारी यूरोप में थी या पैसिफिक में थी, तो उन जंगों में अमेरिका का जो एरिया था वो बिल्कुल पीसफुल था और यहाँ पर आर्मी इक्विपमेंट खूब बना, और वो आर्मी इक्विपमेंट की वजह से ही हज़ारों हवाई जहाज जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए, टैंक्स प्रोड्यूस किए गए, और इस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो जीती गई। लेकिन जब न्यूक्लियर ट्रीटी ओबामा ने की, तो उस वक़्त ये ट्रंप साहब महसूस करते थे कि ये न्यूक्लियर ट्रीटी गलत साइन की गई है, इसमें एडवांटेज ईरान है। और उस वक़्त भी कोई $160 बिलियन जो ईरान के एसेट्स फ्रीज़ किए हुए थे, पैसा फ्रीज़ किया हुआ था, वो बकायदा ईरान को वापस किया गया। $160 बिलियन ओबामा साहब ने वो पैसा वापस भेजा, क्योंकि वो कंडीशन थी जब वो एग्रीमेंट हुआ। ये 2015 में एग्रीमेंट हुआ, और जब ट्रंप साहब बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, और उन्होंने 2018 में इस एग्रीमेंट में से बाहर निकल गया। अब तनखी जो है वो वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि ईरान के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि भाई आप लोग न्यूक्लियर वेपन की तरफ मत जाइए। कल भी स्टेटमेंट में मैंने देखी वो स्टेटमेंट, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका विल नॉट अलाउ ईरान टू बी ए न्यूक्लियर स्टेट, और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इसराइल का भी है, दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट दैट इट शुड बी देयर। अब ये खुमैनी साहब ने भी बयान दिया कि देखिए हमने चपेड़ मार दी अमेरिका पे, अमेरिका के मुंह पर, जानबूझ के, जो लोग जो एक्सपर्ट कहते हैं कि जानबूझ के ईरान ने ये हिम्मत नहीं की कि वो असली आदमियों के ऊपर हमला करे मिसाइल्स के साथ, वो उन्होंने वहाँ पे मिसाइल फेंके, क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब एंड जैसे वो चाहते थे वैसे ही वो मिसाइल गए, और वो कहीं उसमें एक भी जान नहीं गई, क्योंकि वो जान के नहीं मारे गए कि उनको पता था कि अगर कोई अमेरिकन और मर गया तो फिर तो और मुसीबत पड़ जाएगी। सुलेमानी, अभी तो उनका एक जनरल सुलेमानी गया, फिर पता नहीं कितने जनरल जाएंगे। सो ये सारी बातें बहुत ही इस वक्त सीरियस हो चुकी हुई हैं,
और हम देखेंगे कि इसमें कनाडा का क्या रोल है, हम देखेंगे पाकिस्तान और रशिया का क्या रोल है। मैं ताहिर साहब से पूछूंगा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने टेलीफोन पर बात की रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और बाद में बयान क्या देते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये इशू इस वक्त रेज हुआ हुआ है और जो इस वक्त बहुत एक किस्म की वर्ल्ड में एक मैं समझता हूँ मिलिटेरली जो काफ़ी नुकसान होने वाली बात हो सकती है उसके ऊपर हम दोनों मिलके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैं हैरान होता हूँ कई बार कि पाकिस्तान आपकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने अपना नाम आगे लाना होता है इसलिए वो लेके आए। शायद ताहिर साहब से पूछते हैं, ताहिर साहब सबसे पहले मैं आगे चल के आपको एक हेनरी किसिंजर ने स्टेटमेंट दिया वो भी डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो खमेनी साहब ने चपेड़ मारी है उनके कहने के मुताबिक, वो जो चपेड़ है वो असली भी हो सकती थी अगर वो चाहते तो, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ये तो है नहीं कि एक किलोमीटर में उनका एरिया, वो तो इतना किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर वो सारे ठहरे हुए हैं, कैनेडियन सोल्जर्स भी, नेटो के सोल्जर्स भी। तो ये जो आजकल खबर आ रही है कि जानबूझ के ईरान ने वो मिसाइल जो हैं वो साइड पे मारे हैं जहाँ कोई आदमी नहीं था, इसके बारे में पहले क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है इस वक्त ईरान की तरफ से वो पब्लिक कंजम्पशन के तौर पर या फेस सेविंग के तौर पर हो रहा है, क्योंकि ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इतना बड़ा मुल्क हो अमेरिका से टक्कर ले सके। अमेरिका की जो मिलिटेरली जो ताकत है वो इतनी बड़ी है कि वो रूस और चीन भी उसके साथ मिल के भी मैस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ईरान एक अपनी आइडियोलॉजी में शिया एक्सट्रीमिज्म में एक थोड़ा सा वो रिवाइवल करने में एक एम्बिशियस कंट्री है। ठीक है, ईरान की जो जो जंग है वो इसराइल से भी वो फेस सेविंग की हद तक रहती है, लेकिन इसराइल को ख़तरा भी है जेन्युइनली ईरान से, मगर ईरान से सबसे ज़्यादा ख़तरा सऊदी अरब को, गल्फ स्टेट्स को है। ठीक है, चूँकि ईरान के पास तेल होता था, भी तेल है, मगर सैंक्शंस इतनी है कि उसके तेल का फ़ायदा कोई नहीं है। अब मैं प्रिसाइज़ली इस बात की तरफ आता हूँ कि वो खामेनाई का ये कहना, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई का ये कहना कि भाई हमने मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया वाली बात है ना अमेरिका को, तो वो क्या कहेंगे? चूँकि उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं अमेरिका के आगे, वो इसलिए अब अपनी आवाम को जो उन्होंने बनाया हुआ है ग़ुलाम बनाया हुआ है ईरान की, ईरानी मुसलमान दुनिया में वाहिद मुसलमान आज भी हैं, पहले ज़्यादा होते थे इस तरफ, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मॉडर्न लिबरलाइज है, मगर एंड कल्चरल, अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है ईरान में, मैं ईरान में लास्ट टाइम 92 में गया था, उससे पहले भी गया था, तो ईरान में मैंने उस वक्त देखा, उस वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ ईरान का गेस्ट था, ठीक है ना, और बहुत करीब से मैंने चीज़ों को देखा। बाय द वे 92 में जब मैं ईरान गया था, बाद से बाहर निकलती है, तो वहाँ पर जो मेरा गाइड था वो श्रीनगर का शिया मुसलमान था। वाह, ठीक है, और वो गाइड मेरा नहीं था, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी उसमें थे, मैं उस डेलीगेशन में था, राइट, वो उन सब का गाइड था, और वो वहां पे एंटी इंडिया कश्मीर कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ये 92 की बात है, ठीक है, जबकि ईरान के तल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, मगर मैंने वो कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बैठा, चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो मतलब वो अलग बात है कि जब हम उस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकले तो एक टैक्सी ली, तो किसी ने मुझसे, वो टैक्सी ड्राइवर ने, मुझे थोड़ी बहुत फारसी आती है, तो मुझे उसे टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा कीमत बताई, मैंने उससे कहा फारसी में कि भाई इंसाफ करो, ये ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, तो उसने कहा इंसाफ नदारत दर मिल्लत ईरान, ईरान में कोई इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मैं आपको 92 की दास्तान बता रहा हूँ, उस वक्त भी आवाम पसंद नहीं करती थी इस जो मजहबी रजीम है, जो जो उनकी धार्मिक रजीम है, मगर वो उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। मुझे याद है 92 में मैं जो इनके पहले सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खमीनी, उनके घर भी गया था, वो हयात तो नहीं थे, लेकिन हमें वो दिखाने के लिए लेकर गए थे पूरे डेलीगेशन को वो घर, वो 2.5 कमरों पे घर था, नॉर्दर्न ईरान की एक पहाड़ी पे, ठीक है ना जी, जो बड़ा अमीर इलाका है,
ठीक है, वो मैंने वो घर भी देखा। तो मतलब ये है कि ईरान जो है ये क्या कहेगा इसके अलावा दुनिया को कि भाई हम इतने ही गए गुजरे हैं कि इनका जवाब पत्थर से ना दे, मगर वो पत्थर ऐसा था कि फूल मारने वाला था। वही ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उनको पता है कि फिर आगे से जो ईंट आनी है वो हमारे लिए नकाबले बर्दाश्त होगी। ठीक है, अमेरिका की बड़े अरसा दराज से कोशिश है कि किसी तरह से ईरान की ये जो रिजीम है इसको टॉपल डाउन कर दिया जाए। मैं ईरानी अमूर को बहुत गहराई से समझता हूँ, अच्छा वो इस वजह से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो टॉपल डाउन इसलिए नहीं कर सके कि ईरानी रजीम जो आयतुल्ला खामिनाई है इस वक्त सुप्रीम लीडर, इनके आगे रफसंजानी हो या इस वक्त रूहानी हो, कोई भी सदर हो, वो आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं। मैंने आयतुल्ला खामिनाई से हाथ मिलाया था एक कॉन्फ्रेंस में, एक और कॉन्फ्रेंस थी उस दिल्ली, चूँकि सरकारी डेलीगेशन में मैं था, तो मुझे याद है कि कितनी मुश्किलात से मैं तहरान की वो तरीक गलियों, यानी वो बड़े ही कंजेस्टेड इलाके में रहते हैं, कि अगर उनके ऊपर कोई हमला भी हो तो पता ही ना चले वो कहाँ है, और अगर हमला हो तो हजारों लोग और मर जाएं, वो कहीं बाहर किसी पैलेस में नहीं रहते, राइट, ठीक है, ये सबको पता है। वो एक बहुत ही तहरान का कंजेस्टेड इलाका है जिसमें उनका घर है और उनका ऑफिस है, और हम सबको वहाँ पर लेकर गए थे। हमने लंबी लाइन लगा के जनाब सिक्योरिटी से गुजर के मेरे कोट को उतरवा दिया कि उस कोट में बटन में भी बम हो सकता है, इतनी सिक्योरिटी में वो रहते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है, तो मतलब पेन शेन घड़ी शड़ी तो भूल जाए, ठीक है, वो कोट के बटन भी उन्होंने कहा कि हल्के प्लास्टिक के बटन थे, उन्होंने कहा कि इसको भी उतार दो आप। फिर गए उनसे हाथ मिलाने का शर्फ हासिल हुआ। उस तकरीब को जो एमसी कर रहे थे उस वक्त के सदर ईरान के, वो रफसंजानी कर रहे थे, यानी ही वॉज फैसिलिटेटिंग द इवेंट। ठीक है, तो इतना उनका होल्ड है। अब ये कासिम सुलेमानी जो हैं ये उनके राइट हैंड थे, जितना वो उन्होंने दुनिया में ऑपरेशन करना होता था और विद इन ईरान जो हजारों लोगों को मारना होता था जो उनके खिलाफ बोलते थे, कासिम सुलेमानी वो उनके राइट हैंड थे। अब इतना राइट हैंड मिलना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है, और वो अब उसके बाद उनको तो हिल गई ना रजीम, पहले ही सेंक्शन लगी हुई हैं, कोई हाल नहीं है, उसके बाद उस रजीम ने कुछ तो करना था दुनिया को दिखाने के लिए, मगर ये एक रियलिटी है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ईरानी रजीम थ्रू फ्रांस और यूरोपियन नेशंस कर रहे हैं, अमेरिकन को कह रहे हैं कि जनाब आपको हमारी औकात का पता है, हमें जलील ना करवाएं आप दुनिया में, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हमें अब आप बताएं कि किस तरफ हम जाएं, क्योंकि वो अब दुनिया में ये एक है कि शायद पता नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन दरअसल आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वर्ल्ड वॉर्स हैं उनकी हिस्ट्री को याद करें, ब्लंडर्स ऐसे बाज़ात हो जाते हैं कि वॉर्स हो जाती हैं, लेकिन अब दुनिया में ब्लंडर्स के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अब थर्ड वॉर हुई, भगवान बचाए हमें, तो फिर दुनिया नहीं बचेगी। खैर साहब, जब आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की तो मैं यहीं पर एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। देखिए, हेनरी किसिंजर वन ऑफ द टॉप फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं अमेरिका में, पहले निक्सन के साथ, बाद में फोर्ड के साथ भी रहे। उन्होंने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो लोग थर्ड वार को नहीं देख रहे, थर्ड वर्ल्ड वार को नहीं देख रहे हैं जी, शायद वो सोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वार कोई रोक ही नहीं सकता, और ये थर्ड वर्ल्ड वार ईरान से आज हो, कल हो, या साल दो साल के बाद हो, ये वार होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ईरान का भी, और जिसमें इसराइल विल प्ले ए वेरी वेरी मेजर रोल, जो कि अभी तो वो साइलेंट है, आजकल इतने बड़े इशू के बाद भी वो साइलेंट है, क्योंकि उनके अपने इलेक्शन चल रहे हैं, मार्च में इलेक्शन भी हैं, लेकिन वो अंदर अंदर से तो फुली प्रिपेयर्ड है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमेरिका का इक्विपमेंट खरीद के उसको उसमें 100% और इम्प्रूवमेंट्स करके जी वो उसको यूज़ करते हैं। तो इसराइल वहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका की जो एयरफोर्स और नेवी है उसका तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो वो अकेली बहुत है, इतना ज़्यादा उनके पास हाँ जी असला है, इतना ज़्यादा उनके पास इक्विपमेंट है, सब कुछ है। तो अब ये जो हेनरी किसिंजर ये कह रहा है कि नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी, ज़रूर होगी, ये तो इशू, ये इशू देखिए 737-800 का एक इशू है, ऐसे इशू तो आते ही रहने अब आने वाले टाइम के ऊपर, क्योंकि
क्योंकि टर्किश का भी दिमाग आजकल ख़राब हुआ हुआ है, वो भी ज़रा आजकल ज़्यादा रशिया और ईरान की तरफ ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हेनरी किसिंजर की स्टेटमेंट में कोई दम है? नहीं, मैं मतलब समझता हूँ कि शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, बहुत बड़े आदमी हैं, किताबें लिखी, बड़े तो प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन मैं अपनी हम्बल राय देते हुए ये कहूँगा कि शायद इस मसला पर कोई ऐसी बड़ी जंग ना हो, चूँकि वो इतनी बड़ी जंग के लिए जो सामने के ओपोनेंट्स हैं वो अगर बराबर के नहीं हैं तो कम अज़ कम हाफ या चौथाई भी तो हो ना ताकत के, ठीक है? वो चौथाई तो क्या, वो 400 लेवल पे भी उनके बराबर नहीं है। उनका पागलपन ठीक अपनी जगह पे है, उनका फनाटिसिज्म अपनी जगह पे है। नहीं, पर उन्होंने कहा कि आज नहीं कल नहीं, साल में, दो साल में नहीं, लेकिन लड़ाई ईरान से ही शुरू हो। देखिए, ईरान का इस वक्त मसला डॉक्टर साहब ये है कि आप इकोनॉमिक क्रंच देख लें, उनके पल्ले कुछ नहीं है। ईरान की असल में यही कोशिश है कि वो अपनी रजीम बचा लें, ठीक है? नहीं, इससे ज्यादा ईरान के पास कोई सांसद नहीं है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। अच्छा, पिछले दो महीने में 1500 आदमी मार दिया, ठीक है? वो तो आपको और हमें पता चला है ना, वहां कितने मारते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, राइट? ठीक है ना जी। अब जो सिचुएशन है डॉक्टर साहब, देखिए, ईरान को हैंडल करने के लिए सिर्फ मिडल ईस्ट में इसराइल ही काफी नहीं, बल्कि सऊदी अरब से ज्यादा ईरान का दुश्मन कोई नहीं। नहीं, वो तो ठीक। अच्छा, सऊदी अरब खुद कुछ शायद ना कर सके, मगर सऊदी अरब पूरे का पूरा अमेरिकन डिस्पोजल पे है। सारी जो सऊदी अरब की जो आर्मी बेसिस हैं वहाँ पे अमेरिकन्स बैठे हुए हैं, अमेरिकन्स के अलावा नेटोज बैठे हुए हैं, और वो रीजन सिर्फ वो नहीं है, गल्फ स्टेट्स में भी अमेरिकन्स और नेटोज बैठे हुए हैं, और आसपास के रीजन में अफगानिस्तान तक अमेरिकन्स बैठे हुए हैं, ठीक? इस सारी सिचुएशन में कोई इसका इम्कान नहीं है कि मैं नहीं समझता कि आइंदा 20-30 साल में भी हो। 20-30 साल अब इतना मुश्किल वक्त है कि ईरान 20-30 साल इन हालात में सरवाइव कर जाए, यही बड़ी बात होगी। क्योंकि इस फिनेंशियल सरकमस्टांसिस में ईरान धमकियां तो दे रहा है कि अब हम न्यूक्लियर बना के रहेंगे, मत ये एक अलग बात है कि अगर वो बिल्कुल डेड एंड पे चुके ईरान है ना, उसकी पूरी कोशिश होगी कि कोई हमाकत करे, मगर शायद मैं नहीं समझता कि वो अफोर्ड कर सकता है, वो रजीम नहीं रहेगी। ताहिर साहब, जब इंसान भूखा होता है जी, तो वो सड़कों पे आ जाता है। इस किस्म की बेवकूफ़ी क्यों नहीं ये कर सकते? शोर कर सकते हैं कि ऐसे की तरह मरना तो हमने आए ही, क्यों ना कुछ हज़ारों लाखों आदमियों को मार के मरे। वो देखिए, हज़ारों लाखों आदमियों को अगर मारेंगे तो वो तो अपने ही मुल्क के मारेंगे। इनके तो जो मिज़ाइल शज़ाइल है ना, वो इसराइल गिर ही नहीं सकते। इसराइल का वो जो डिफेंस जार है सिस्टम, ठीक है ना जी, वही सऊदी अरब तक ये पहुंच ही नहीं सकते, उससे पहले ही अमेरिकन जहाज खड़े होंगे। तो ये खुदकशी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पर जब आदमी भूखा हो जाता है खुदकशी करेंगे ना, फिर ठीक है। लेकिन अगर खुदकशी करके अपने ही लोगों को मरवाना है, जैसा कि वो अभी भी स्लोली एंड ग्रेजुअली मरवा ही रहे हैं, अभी ये फ्यूनरल सर्विसेज जो की हैं इन्होंने, उसमें कुछ 100 के करीब लोग मर गए स्टैम्पीड में, ठीक है ना जी। उसमें कई सैकड़ों लोग, कई 100 लोग जो हैं वो उसमें जख्मी हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बिगाड़ लिया? ये मिजाइल शिजाइल फेंके, कोई एक आदमी नहीं, बाहर का बंदा मरा, अपने ही 100 से ज्यादा बंदे स्टैम्पीड में मरवा लिए। यही हरकतें ये करते हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट हुकूमतें हैं, चूंकि इनको परवाह नहीं है, ये खुद डेड एंड पे बैठे हुए हैं। मगर ये खुद जो भी ये कदम ईरान उठाएगा, अगर ये वाकई एक्सट्रीम एंड पे जाएगा ईरान, तो सवाए अपनी खुदकशी के और कोई रिजल्ट नहीं आएगा, दुनिया में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ। नहीं, ये बात तो चलिए सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये लड़ाई जो है, क्योंकि अगर कल को ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ चल पड़ते हैं, देयर इज़ नो वे इज़राइल विल अलाउ, दैट्स नंबर वन। कल ट्रंप साहब ने भी कह दिया, चलो ट्रंप साहब की तो 6 नवंबर को पता लगेगा कि वो दोबारा रीइलेक्ट होते हैं या नहीं होते, क्या सिस्टम बनता है। लेकिन ये जो इशू इस वक्त आया सामने 737 का, और जिसमें इतने आदमी मारे गए हैं, उससे ये तो साबित हुआ, ट्रूडो ने भी कह दिया कि मिसाइल चले हैं, जी ट्रंप ने भी कह दिया मिसाइल चले हैं, लेकिन वो कहते हैं मिसाइल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने वो वीडियो खुद देखी है जिसमें हवाई जहाज को जाके लगा और वो वहाँ फायर नज़र आ रही है। तो ये इतना झूठ बोल के ये खेमेनाई साहब या इनके और जो साथी हैं, ये कैसे दुनिया में जिंदा रहते हैं?
देखिए दुनिया में ज़िंदा तो अब रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है. ये जो आपने तैयारी की बात की, इसमें भी जो लोग मरे हैं वो कैनेडियंस भी हैं उसमें, और कैनेडियन कनेक्शन के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, मगर ज़्यादातर तो वो ईरानी ही है ना. तो क्या वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं ना, चाहे गलती से मार रहे हैं चाहे प्लान करके मार रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी जो मरे हैं लोग वो ईरानी ही हैं. और फिर ठीक है ना, और वो मतलब जो कैनेडियन भी हैं उनमें से भी ज़्यादातर तो ईरानी बैकग्राउंड के ही हैं. ठीक है, ज़्यादा हैं तकरीबन सारे ही. सारे के ठीक है. अब इस सारी सूरत हाल में देखने वाली बात यह है, और ईरानी ख़ुद अपनी इस रजीम के ख़िलाफ़ और उठते चले जा रहे हैं. मैं आपको दावे से डॉक्टर साहब आज ये बात बताता हूँ, ईरान के जो इस वक्त के सदर हैं रूहानी, इवन जो उनके चीफ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जवाद जरीफ और बाकी भी बहुत सारे लोग, ये फॉरेन मिनिस्टर ज़रा ज़्यादा बोल रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर बड़े मॉडरेट लोग हैं. ये मैं आपको बता दूँ. हाँ लेकिन उनकी चलती नहीं ना. नहीं वो मतलब वो इतना ज़्यादा शिकंजा है. वो जो सुप्रीम गार्ड है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई, और वो अच्छा ये भी ईरान में एक बहस है कि ये जो ईरान की असल में थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये पर्शियन ओरिजिन की तो है ही नहीं, ये तो अरबिक ओरिजिन के हैं. ये तो ज़्यादातर जो लोग हैं इराक के पुराने आए हुए, और अच्छा ये वहाँ पर आपस में ज़्यादा अरबिक बोलते हैं. ये जो इनकी सुप्रीम लीडरशिप है, फारसी के बदले वो बोलते हैं. जो सुप्रीम लीडरशिप में इनकी जो लैंग्वेज है वो अरबी ज़्यादा है, और उसको ईरानी पसंद नहीं करते. इवन मैं ईरानी जो गवर्नमेंट में लोग हैं, इससे पहले रफसंजानी से पहले हसन के बाद एक लीडर आए थे इनके, वो खमेनी साहब के खास चमचे थे, वो प्रेसिडेंट जो अहमद नजाद थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. वो अपनी जगह पे एक और बीच में आए थे प्रेसिडेंट, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ. वो बेचारे इसको ओपन अप करना चाह रहे थे ईरान को, फिर उनकी छुट्टी हो गई. तो अब किसी का बस नहीं चल रहा कि दुनिया किस तरह इनकी मदद करे कि वो जो इनका सुप्रीम गार्ड है खतरनाक वाला जिसके ये जनरल मारे गए हैं, वो कोई हज़ारों लोग नहीं हैं, वो लाखों लोग हैं. उस पर किस तरह काबू पाया जाए और ये गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो. क्योंकि ईरानी तो जश्न मनाएंगे, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, जब ये कभी टॉपल डाउन हुए तो जवाद ज़रीफ़ जैसे लोग भी खुदा का शुक्र अदा करेंगे. ये सूरत हाल है. ताहिर साहब, पाकिस्तान चाहता है कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंस हो इस मामले में. वो उनके फॉरेन मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, दूसरे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं जी कि हम अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल करने देंगे. अरे आपकी ज़मीन जो है वो अमेरिका ने थोड़ा इस्तेमाल करनी है, उनको क्या ज़रूरत है. उनके वो तो ईरान के इर्द गिर्द ओमान में बैठे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, कुवैत में बैठे हुए हैं, उनको आप इसराइल में बैठे हैं, उनको आपकी ज़मीन की क्या ज़रूरत है. लेकिन ये इस किस्म के बयानबाजी करना, ये कि अपनी वो अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए करते हैं, या उनको कोई गलत फहमियाँ हो गई. नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बात बड़ी सादा है कि इनकी किसी हद तक इम्पोर्टेंस है भी. मैं ये बताऊँ आपको, अगर ना होती तो माइक पोम्पियो इनको फ़ोन ना करते. माइक पोम्पियो ने इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन किया. उसकी अच्छा, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ डिफेंस जो है अमेरिका का, उसने भी फ़ोन किया है. यानी कि डिफेंस का भी जो मिनिस्टर है या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता है वो भी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन मिनिस्टर भी अमेरिका का, इन दोनों ने अलग अलग फ़ोन किए हैं. सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी बाजवा को ठीक है. ये फ़ोन हरगिज़ ना करते अगर वो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ना लाना चाहते. वो बॉर्डर को बंद करवाना चाहते हैं ईरान के बॉर्डर की एक्टिविटीज़ को. दो तीन और भी इश्यूज़ हैं. पाकिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है वो भी ओवर 20% रहती है. राइट ठीक है. उनकी अक्सरियत भी ईरान के लिए सिंपथाइजर्स हैं और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन. अगर आप 20-25% पाकिस्तान का निकाल लेंगे तो 50 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं वो. ठीक अच्छा, आर्मी में भी, पाकिस्तान की आर्मी में भी शिया फोर्स काफ़ी है, तो उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है ना. अगर उस रीजन में वाकई को बहुत ख़तरनाक होता है अमल,
قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد کچھ ایسے ایک دن کا عمل آیا تھا یعنی 24 آورز میں فیل ہو رہا تھا کہ شاید چیزیں بہت خطرناک حد تک ایگزیجریٹ کریں تو فوری طور پر فون کیا ان کو اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اگلے دن یعنی 6 اور 7 جنوری کو ایران میں ایک پہلے سے سکیجول کانفرنس تھی جس کا نام تھا تہران ڈائیلاگ تو تہران ڈائیلاگ میں افغانستان کے فارمر پریزیڈنٹ حامد کارزائی کندھے سے کندھا ملا کے جواد ظریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے افغانستان میں بھی امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ دیکھیے افغانستان میں امریکہ کی فوجوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود افغانستان پر کتنا امریکہ نے کنٹرول کر لیا ٹھیک ہے اتنی بڑی سپر پاور جہاں ہے وہاں وہ بے عقلی بھی بڑی ہے امریکیوں میں حامد کارزائی جب یہ صدر رہے وہ امریکہ سے بلینز ڈالرز بھی لے گئے اور ساتھ ساتھ روز دھمکیاں بھی دیتے تھے مجھے یاد ہے ان کے بیان ٹھیک ہے حامد کارزائی اپنے خزانے میں بھی اپنے گھر کے خزانے میں بھی ملینز اینڈ ملینز ڈالر اب ان کے پاس ہیں ہی از ویری رچ گائے ٹھیک ہے نا جی اور اس کے باوجود وہ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتے تھے اور امریکہ پھر ان کو پیسے دیتا تھا یہ بھی امریکہ کی ایک خوبصورتی ہے اب ان کو یہ خطرہ ہے پاکستان سے کہ اگر پاکستان کے شیعہ لوگ کھڑے ہو گئے آرمی میں شیعہ لوگ ہیں تو افغانستان میں جتنے بھی اس وقت امریکی بیسز ہیں قندھار ہو یا کابل ہو وہاں پر امریکی فوجی تو چند ہزار بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ رائٹ وہ چند ہزار آج تک طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکے اور طالبان کے پیچھے پاکستان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی کچھ نہیں چلی امریکیوں کی آج تک ٹھیک ہے یہ ایک میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں نہیں پر اگر 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 طالبان جو ہے اس کے پیچھے آف کورس پاکستان کا ہاتھ ہے دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اور القاعدہ کے پیچھے بھی ہاتھ ہوگا اس وقت وہ 50% سے زیادہ افغانستان کو کنٹرول کرتے بالکل کرتے تو اس میں پاکستان کو یہ کیا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ سے بگاڑ کے انہوں نے بگاڑی پہلے تو پیسے نہیں ملے پچھلے 3-4 سال تو بگاڑ کے ان کو ملا کیا نہیں وہ نہ بے شک ملے لیکن ہم پاکستان کے اور بڑے مسائل ہیں نا کہ پاکستان جب تک امریکہ پاکستان کے بارے میں خاموشی اختیار نہ کرے خاموشی سے میری مرادی اگر پاکستان جو کچھ پہلے کر رہا تھا کشمیر میں افغانستان اب امریکہ نے کہا کہ نو مور ٹھیک اگر صرف امریکہ اپنی زبان دوبارہ بند کر لے تو پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا بہت ساری ٹیکنالوجی امریکہ سے پاکستان کو گئی ہوئی ہے اگر صرف وہ مطلب اس کی جو ہے جو اوور آل ہوتا ہے یا رینوویشن جو ہوتی ہے وہی امریکہ کر دے کافی ہے پھر یہ بھی ایک ان کے لیے پاسبلٹی ہے پاکستان کی کہ شاید امریکہ کبھی پیسے دینا بھی شروع کر دے لیکن پرابلم ایک اور بھی ہے پاکستان ایران کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا مخالفت بھی نہیں کر سکتا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ساتھ اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہم امریکہ کو تو آپ بھول جائیے پاکستان سعودی عرب کو اور گلف اسٹیٹس کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کرتا اچھا اب یہ ہے کہ وہ ساتھ اس بنا پہ ایران کا نہیں دے گا مگر ایران کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا چونکہ جو طالبان ہیں بہت سارے طالبان کو ایران نے آلریڈی بائی کیا ہوا ہے بے شک ان کی آئیڈیالوجی ان سے نہ ملتی ہو لیکن منی ٹاکس رائٹ ٹھیک ہے وہ بے شک وہابی اسکول کے ہیں یا بریلوی اسکول کے ہیں ایران شیعہ اسکول کا ہے بٹ منی ٹاکس ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ایران ان کو ہی الٹا یوز کر سکتا چونکہ ایران اس معاملے میں سمارٹ ہے اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ ہے بلوچستان کا آدھا بلوچستان ایران میں ہے اور آدھا بلوچستان پاکستان میں ہے یہی جنرل قاسم سلیمانی تھے جنہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے اندر آ کے اٹیک کریں گے اور آپ کو سبق سکھائیں گے چونکہ آپ نے ہمارے ایرانی گارڈ جو ہے ان کو مارا تھا یہی قاسم سلیمانی ہے جو پاکستان کا دشمن تھا یہ تو ابھی 6 مہینے پرانی بات ٹھیک ہے نا جی اب وہی قاسم سلیمانی چلا گیا بڑا اسٹرانگ تھا ٹھیک ہے کوئی اور لیڈر آ گیا وہاں پہ دیٹس فائن لیکن یہ بہرحال بہت سیزنڈ کمانڈر تھا ان کا یہ چلا گیا تو یہ تو پاکستان کو بھی ایک طرح سے ریلیف ملا نا کہ بھائی یہ آدمی تو ہمارے خلاف بہت کچھ کر سکتا تھا ٹھیک ہے اگر پاکستان ایران کے خلاف کچھ کرتا ہے ایک تو اپنی شیعہ برادری کو ناراض کرنا دوسرا پھر وہ بلوچستان میں ایران کچھ نہ کچھ ضرور ایران امریکہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا رائٹ پاکستان کا بگاڑ سکتا ہے پاکستان یہ افورڈ نہیں کرتا وہ پھر بلوچستان میں ایسی ایسی حرکتیں شروع کرے گا ایران چونکہ آدھا تو ان کے پاس ہے نا وہاں سے پھر انفلٹریشن ہوگی منی ٹاکس یا
वो $2 मिलियन भी फेंक देंगे, साथ तालिबान आ रहे हैं, साथ उनका वो जो ईरानी गार्ड आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ना साथ दे सकता है इस ईरान का? नहीं, साथ देगा तो सऊदी अरब गल्फ और अमेरिका नाराज, मुखालफत करेगा तो ईरान की मुखालफत बड़ी महंगी पड़ेगी। तो इसलिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है इस सारे खेल में ना, वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वो उस जगह पे बैठा हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमें ऐसे हमारे पास सबूत हैं कि ये जो पर्टिकुलर 737-800 जो था ये मिसाइल्स के साथ गिरा, लेकिन ईरान वाले टोटल इससे डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सबूत है तो हमें दो, नंबर वन। नंबर टू, जो बॉक्सेस हैं ब्लैक बॉक्सेस, जिसे पता चलता है कि इस एक्चुअली प्लेन में हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि बातें सारी जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। अब ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन बॉक्सेस को खोल कर पढ़ने की और स्टडी करने की। वो टेक्नोलॉजी दो ही है, एक अमेरिका के पास है, एक फ्रांस के पास है। अब उन्होंने फ्रांस को ये कहा कि आप हमारी मदद करिए, इससे आपको क्या लगता है कि फ्रांस की मदद मांगने से क्या वो उनको फुल एक्सेस दे देंगे कि जो कुछ भी उसमें है वो जो है पब्लिक किया जाएगा? और इसमें ट्रूडो जो हैं इनको उन्होंने कह दिया कि आप आदमी भेज सकते हो, लेकिन इनको वो कोई मतलब डीप जो इंक्वायरी है उसमें नहीं जाने देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो एट दिस पॉइंट हमें लगता है कि ईरान ऐसा शायद नहीं करेगा कि ब्लैक बॉक्सेस को फ्रांस के हवाले कर दें, अमेरिका के हवाले तो खैर वो करेगा नहीं, चूंकि तल्लुकात बहुत खराब है। उन्होंने फ्रांस को कहा, ठीक है, फ्रांस के साथ उनके रीजनेबल तल्लुकात हैं, बातचीत होती है फ्रांस के साथ, डिप्लोमेटिक उनके जो बैकडोर भी और सामने भी फ्रंट पे भी उनके रिलेशन हैं। तो वो फ्रांस को एट दिस स्टेज लगता नहीं है वो देंगे, लेकिन हो सकता है जब प्रेशर फ्रांस का बढ़े या रशियंस का बढ़े, चूंकि इसमें यूक्रेन का वो है, ठीक है, यूक्रेन के जो तल्लुकात हैं वो रशिया के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन के तल्लुकात ईरान के साथ भी बुरे नहीं हैं। तो यूक्रेन की रिक्वेस्ट पे या प्रेशर पे अगर फ्रांस के हवाले करते हैं बाद में किसी स्टेज पे, इस द मोमेंट यू एंड आई आर टॉकिंग, इस स्टेज पे तो लगता नहीं है कि ईरान मानेगा। नहीं, मैं लेटेस्ट आपको खबर बता रहा हूँ कि उन्हें ईरान ने फ्रांस को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें हमारे बॉक्सेस में मदद कीजिए। ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट की बुनियाद पर अगर वाकई वो उनको दे देते हैं तो फिर तो ये राज खुल जाएगा। अमेरिका भी कह रहा है और कनाडा भी कह रहा है कि हो सकता है कि ये गलती से लगा हुआ, हाँ वो ठीक, लेकिन वो कुछ है, कुछ कूतें ऐसी भी हैं जो ये कह रही है गलती से नहीं लगा। अब ये बात भी होना शुरू हो गई, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो कोई ना कोई शॉक पहुंचाना चाहते होंगे, क्योंकि वो बड़े दुखी हैं उनका लीडर मारा गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड तो जो है वो तो कम से कम मानना पड़ेगा ना कि वो तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, एब्सोल्युटली, उनकी तो कोई थिंकिंग नहीं है, दे ओनली थिंक सुलेमान, सुलेमानी के अलावा। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्ट किया हो। अब आप देख लीजिए कि अब यूक्रेन के वो जहाज के गिरने की बात ज्यादा हो रही है सारी दुनिया में, कासिम सुलेमानी के वाकये की बात कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि हुकूमतें जो रजीम्स होती हैं बड़ी रुथलेस होती हैं, खासतौर पर ईरान की रजीम जो है, उनके लिए कुछ 200-300 बंदा किसी जहाज से मारना कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं, ठीक, ताकि अगर उनका मकसद पूरा हो रहा हो और उस मकसद में अगर ये हो कि चले जी ये मसला डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो अब वो इस तरफ ले आए हैं। लेकिन अगर वो गलती से उन्होंने मारा है या इंटेंशनली मारा है या वो कहीं वाकई हादसा था, तो हर सूरत में है तो बड़े दुख की बात, सिर्फ इस हवाले से नहीं कि हम कैनेडियंस का कनेक्शन है, इस हवाले से भी है कि मतलब एक जहाज गिरा है, मासूम लोग ट्रैवलर्स उसमें हैं, 176 से 180 तक बताए जाते हैं, तो वो एक अफसोसनाक बात है। बहरहाल कनाडा के लिए ये एक चैलेंज ज़रूर बना है, क्योंकि कनाडा की खासतौर पर जो लिबरल गवर्नमेंट है वो चीज़ों के मामले में नॉन अलाइन या पीछे से वो अक्सर अपने आप को गैर जानबदार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और डॉक्टर साहब बात करूँगा कि टोरंटो में ही कासिम सुलेमानी की हलाकत के दूसरे रोज़ बाद कासिम सुलेमानी के हामी टोरंटो में सड़कों पर निकले, कासिम सुलेमानी के पिक्चर्स को उन्होंने उठाया, वो तो टोरंटो में ठीक, और वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। यार अल्लाह अकबर के नारे लगाने की बजाय, अल्लाह अकबर तो एक वॉर क्राई बना हुआ है ना, वो लगाने की बजाय
तुम लोग सिर्फ कुछ तकरीरें कर लो, कह लो कि अमेरिका ने एक गलत कदम उठाया और पीस की बात करो, ठीक है पीस की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वहाँ पे दो तीन वो कैनेडियन भी बेचारे को चार छः चले गए जो यूएस के उन्होंने फ्लैग उठाए हुए थे, उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या ये लिबरल गवर्नमेंट, क्या ये ट्रूडो की गवर्नमेंट इतने गट्स रखती है कि अपने इलाए अमेरिका के साथ खड़ी हो सकें और उन उन प्रोटेस्ट करने वालों को ये कहे कि तुम, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तुम बात करो, मगर तुम एक टेररिस्ट को, कासिम सुलेमानी वाज अ टेररिस्ट, को कैसे तुम सपोर्ट कर रहे हो? जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो इस किस्म के किसी भी, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट फिलासफी के मुस्लिम कम्यूनिटी हो, चाहे वो कोई भी कम्यूनिटी हो, they don't have those kind of guts to tell them not to do it. That's number one. Number two, मैं आपसे इस बात पे काफ़ी नहीं एग्री करता जी. कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है उसके चांसेस बिल्कुल कम है, नहीं, मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार के चांसेस, थर्ड वर्ल्ड वार का मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया में, आगे भी यूरोप में लड़ाई हुई थी या जापान की तरफ पैसिफिक में, थर्ड वर्ल्ड का बार है कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक आने वाले टाइम के ऊपर, साल दो साल में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, हैं जी, उसके ऊपर अगर हम ध्यान से सोचें तो मैं समझता हूँ कि हेनरी किसिंजर की ये बात कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज़म जैसे बढ़ रहा है, टेररिज़म जैसे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए वेस्टर्न सरकारों को और वेस्टर्न गवर्नमेंटों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे। और एक गलती कोई भी कंट्री कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, वो सऊदी अरेबिया भी कर सकता है, वो इसराइल भी कर सकता है, वो सीरिया भी कर सकता है, कोई भी एक गलती जो है वो कर सकता है जिससे उस एरिया में जो है वार बहुत सीरियस ढंग से हो सकती है। दरअसल देखिए, मैं थोड़ा सा अपना आर्गूमेंट देता हूँ, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होनी होती ना इन्हीं बेसिस पर, किसी और बेस पर हो जाए तो वो एक अलग बात है, अगर इन्हीं बेसिस पर थर्ड वर्ल्ड वार होना होती तो वो 9/11 के फौरन बाद होती, क्योंकि 9/11 का जो वाकया है वो अपनी जो एक्सट्रीम जो है ना मैनिफेस्टेशन जो थी उससे बड़ा कोई वाकया नहीं था, वो इतना खौफनाक वाकया है। या बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़े छोटे वाकयात हैं, ये जो अगर देखें ना ये छोटे छोटे वाकयात हैं, वो इतना खौफनाक वाकया था 9/11 को अगर हम आई अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर होनी होती तो उस वक्त, अगर इन्हीं बेसिस पर होनी थी तो हो जाती। अच्छा, उसके बाद दूसरा बेसिस आया थर्ड वर्ल्ड वॉर का, वो जब सीरिया में इंतहा की खाना जंगी चली जिसमें दुनिया की सारी ताकतें आ गईं, हक में भी और खिलाफ भी, जब रूस भी कूद पड़ा, अमरीका भी आ गया, ईरान भी, मतलब ईरान तो चले ना तीनों में ना तेरह में, मैं नहीं वो मैं लेकिन आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे ना हुई। और उसके बाद ये जो अभी वाकयात हो रहे हैं इसमें डॉक्टर साहब एक और मेरा आर्गुमेंट है, अभी ये जो एक्सट्रीमिज्म के जो कंट्रोल है ना, वो इस्लामिक जो दहशतगर्दी का जो मामला था वो एक रियलिटी है, ये उस पर काफ़ी काबू पाया जा चुका हुआ है। आप याद करें आज से 5-6 साल पहले तक आइसिस ने, जिसे कहते हैं ना अंधी मचाई हुई थी, ठीक है, आइसिस आलमोस्ट वाइप आउट, मैं ये नहीं कहता 100%, आलमोस्ट वाइप्ड आउट, तालिबान अलकायदा आलमोस्ट वाइप्ड आउट, ठीक है, आलमोस्ट वो जो थी ना इनकी ताकतें वो खत्म हो गई हैं। अच्छा, फिर इवन तालिबान भी अब वो ना, पहले भी वो थे कमोडिटी थे, आप जिसके पास पैसे हैं वो खरीद ले, अब तो वो और फोर सेल पर चले गए हैं। इवन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी अंदाज़ा हो गया, जिन्होंने तालिबान वालिबान की सपोर्ट ज़्यादा की, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि उनको इससे फ़ायदा कम हुआ नुकसान ज़्यादा हुआ, उन्होंने भी हाथ खींच लिए हुए हैं रिलेटिवली। तो डॉक्टर साहब, ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है ना, ये सोशल लेवल पे तो वो है, मतलब अमरीका में है, कैनेडा में है, लेकिन वो एक्सट्रीमिज़म जो वार फ्रंट पर है ना, वो डाई डाउन हो चुकी है। मैं एक एनालिस्ट के तौर पर आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी देखिए, मैं भी उसी तरीके से बगदादी के मरने के बाद, ओसामा बिन लैडन के मरने के बाद जो लीडरशिप थी वो तकरीबन खत्म हो गई, उनकी एक्टिविटीज भी खत्म हो गई, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब खत्म से मुराद ये है कम हो गई। मैं फिर भी आपसे, मैं थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन मैंने आपको बाद में कहा था कि जो वो एरिया है मिडल ईस्ट जी, वहाँ पर जरूर काफ़ी घमासान
युद्ध होगा नहीं, वो घमासान युद्ध हो भी सकता है डॉक्टर साहब, वो घमासान युद्ध अभी भी खत्म हुआ है, हम बोल रहे हैं। ये लिबिया टूटा, ठीक है, सीरिया के टुकड़े हुए, इराक के टुकड़े, वो युद्ध एक्चुअली जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। नहीं नहीं, यही दोबारा होना है। अब वो रेमिनेंट्स रह गए हैं, अब रेमिनेंट्स, अब आप देखिए उस रीजन को देखिए, उस रीजन में सऊदी अरब, गल्फ स्टेट्स काफी स्टेबल है, ठीक है, ईरान भी कोई बहुत बड़े मैस में नहीं जाए। अच्छा, ईरान की एक मदद भी हुई है, ये भी मजे की बात है, अमेरिका की तरफ से ईरान को मदद मिली जब इराक की हुकूमत का ईरान ने कला कमा कर दिया। वो असल में ईरान की मदद थी, वो ईरान का सबसे बदतरीन दुश्मन था सदाम हुसैन, राइट, ईरान की सबसे बड़ी बदतरीन रजीम दुश्मन थी इराक की सदाम हुसैन की लीडरशिप में, देवर ऑस्टेट, निकाह खत्म हो गए। अब इराक उनका इलाय बन गया है, नेचुरली 60% यहाँ पे शिया पॉपुलेशन है वो, एक तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए उस रीजन में जॉर्डन स्टेबल है, उस अब इनके इसराइल के साथ गल्फ स्टेट्स के और सऊदी अरब के, जॉर्डन के बहुत अच्छे टर्म्स हैं। अच्छा, एक और कंट्री था जो हमेशा प्रॉब्लम डालता था, वो था इजिप्ट। इजिप्ट से मुस्लिम ब्रदरहुड को वाइप आउट हो गया हुआ है, इजिप्ट में डिक्टेटोरियल एक और रंग है जो मुझे पसंद नहीं, अलसीसी का, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें कंट्रोल में हैं। अब आप देखिए, मैं बिल्कुल एक इस रीजन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ चश्मा लगा कि वहाँ पर मैस करने वाला कौन है, किसके पास कैपेसिटी है मैस करने की, एक कंट्री भी नहीं है, सिर्फ ईरान है, ईरान का के पास कैपेसिटी नहीं है मैस करने की, बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई पता नहीं, किसी और बेस पे हो जाए, मैं ये बार बार, मिडल ईस्ट में अब कुछ जो होना था बहुत हो चुका, अब मजीद कुछ चांस कम है, ज्यादा से ज्यादा ईरान वर्सेस सऊदी अरब की एक आखिरी जंग होगी, मैं ये आपको बता दूं, और को वही जो जंग है ना वो को फैलेगी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर साहब, आज ये बात आपके मैं यहाँ पे रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, ईरान की ये रजीम तब तक वैसे ही वाइप आउट हो चुकी होगी इन नेक्स्ट 5 to 10 years। चलिए, आपने आर्गुमेंट सुनी कि क्या उस एरिया में, मिडिल ईस्ट के एरिया में वार होगी या नहीं होगी। ताहिर साहब का कहना है कि वार नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है कि वहाँ पर वार ज़रूर आने वाले 2-3 साल में होगी, और बड़ी फियर्स वार होगी उस एरिया में। तो देखते हैं, ताहिर साहब वही विश कि वार ना हो, ये हमारी विश है, लेकिन विश हमेशा विश ही दुनिया में रहती है जब से इंसान बना है। लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं कई जगह पर आज तक, आप पुराना इजिप्ट की हिस्ट्री देख लो, आप इटली की हिस्ट्री देख लो, आप ग्रीस की हिस्ट्री देख लो, चाइना की हिस्ट्री देख लो, इंडिया की हिस्ट्री देख लो, जहाँ भी हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री में हमेशा इंसान इंसान को मारता आया। थैंक यू वेरी मच, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, थैंक्स अ लॉट।